देखो, अ वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक काम करें पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। बोलो जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप 7 के कैप प्लस बी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप। तो एक काम करते हैं इसे पहले आई वाली टर्म्स को आई में ऐड करते हैं, क्या आएगा 5 आई कैप, जे वाली टर्म को जे में ऐड करते हैं माइनस जे कैप, के वाली टर्म को के में प्लस 4 के कैप। क्या स्टेप क्लियर है? तो आपने क्या निकाल लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है इसमें मैंने क्या ऐड किया, एक्स वेक्टर। तो क्वेश्चन है कि जब इस रिजल्टेंट में, इस रिजल्टेंट में आर वेक्टर में एक्स वेक्टर को ऐड किया, उसने ये नहीं कहा एक्स को आर में ऐड किया, एक्स की वैल्यू को आर में की वैल्यू में ऐड किया ना, एक्स वेक्टर को इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड किया, तो आंसर क्या आया, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, कैप का मतलब भी वेक्टर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स वेक्टर, जो कि क्या होगा, जे कैप माइनस आर वेक्टर। तो यहां से एक्स वेक्टर होगा जे कैप माइनस आर वेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5 आई कैप माइनस जे कैप 4 के कैप। ये आपके पास, इसे माइनस करते हैं तो यहां से ओपन करते हैं, तो ओपन करने में माइनस 5 आई कैप एज इट इज, जे माइनस जे ये क्या आ जाएगा, हाँ प्लस 2 जे, प्लस 2 जे और माइनस करेंगे तो माइनस 4 के। क्या ये आंसर आया? ठीक है, आपको वेक्टर पूछ रहा है, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, और अगर एक्स वेक्टर पूछ रहा है तो आंसर भी फिर आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आई जे का के का मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूडिंग डायरेक्शंस। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे लिखा? तो एक्स वेक्टर को रिजल्टेंट में ऐड किया, पहले रिजल्टेंट तो निकालो, तो एक्स वेक्टर को रिजल्टेंट में ऐड किया तो यूनिट वेक्टर आया जे कैप, तो यहां से एक्स वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तभी इसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा, अब समझ में आ रहा होगा एलजेब्रा चल रहा है, प्लस माइनस आज हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो वेक्टर एलजेब्रा के ऊपर काम हो रहा है। और यूज़ कैसे करना है ये अगले से अगले लेक्चर आपको बताएगा, इसकी एप्लीकेशन कैसे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर एंड देयर इज अ वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दे रहा है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ए वेक्टर की भी और बी वेक्टर की भी। फाइंड अ वेक्टर, मुझे एक नया वेक्टर निकालना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी वेक्टर। तो मुझे जो नया वेक्टर निकालना है, मैं चाहता हूं उसकी वैल्यू बी के इक्वल हो, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी उसके इक्वल हो, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इट शुड बी पैरेलल टू ए वेक्टर। तो कोई वेक्टर, अगर मान लो ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए कैप। अगर मैं बोलता हूँ एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर, आप बोलेंगे ए कैप। एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर, आप बोलेंगे बी कैप। एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू सी वेक्टर, आप बोलेंगे सी कैप। एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई कैप। एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओ एक वेक्टर निकालो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई कैप। एक वेक्टर निकालो पैरेलल टू वाई एक्सिस, जे कैप। पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो यानी कि कैप 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 बोलने हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है। तो उसने बोला विच इज पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू ए वेक्टर, तो पीछे क्या लगेगा, ए कैप, जो डायरेक्शन बताता है। तो यानी कि मेरे को एक नया वेक्टर ढूंढना है जिसकी वैल्यू तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और डायरेक्शन पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी कि पीछे क्या लगेगा, ए कैप। और यूनिट वेक्टर जब पीछे लगता है तो
तो वैल्यू में कोई चेंज लाता नहीं है क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है, वन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या निकालना है? तो मैं यहाँ से एक बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा और ए कैप की डायरेक्शन। अगर मुझे बी वैक्टर गिवन है ये रहा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 25। सॉल्व करोगे 25। तो बी का मैग्नीट्यूड क्लियर है, क्लियर है? तो बी का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कैसे? आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो बी आ गया, तो आधा आंसर आ गया, बी आ गया। अब क्या निकालना है? ए कैप। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, अगर हमें ए वेक्टर गिवन है और हमें ए कैप निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बाय ए। ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो क्या आ गया? ए कैप आ गया। अब देखो, हमने ये निकालना था बी कैप, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25, ए कैप ये पूरे का पूरा एज इट इज, 5 से 25 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? दिस इज द न्यू वेक्टर। तो आपके सामने आंसर भी किस फॉर्म में आया? वेक्टर फॉर्म में आया। तो आपने आधा क्वेश्चन लिया बी से और आधा लिया ए कैप से आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है? देखो, इस वैरायटी है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन को अभी कभी ट्राई करो। कैसे कहूँगा? आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको ट्रिक देखने हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आज मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप सॉल्व करेंगे, और दो लेक्चर के बाद, लास्ट टाइम भी नहीं दिया, आज भी नहीं, आज लेक्चर पूरा प्रैक्टिस होगा, फिर जाके आप 10 क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे, ठीक है? तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है, और शीट्स रिवाइज ज़रूर करनी है और डेली करनी है। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया था रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन, टोटल ऑफ, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 18। उसने कहा कि एक पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मान लो दो फोर्सेस का नाम है पी एंड क्यू, या F1 या F2, कुछ भी। उन दोनों का सम, वेक्टर सम नहीं, वैसी सम 18 है। सम का मतलब टोटल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q का सम कितना है? 18 है। P एंड Q दोनों फोर्सेस का नाम है। आगे, एंड मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो दो फोर्सेस का क्या लेना है? रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट किसके इक्वल है? 18। अब जब वो कह रहे हैं रिजल्टेंट 18 है, तो रिजल्टेंट का मतलब आप दोनों फोर्सेस पे लगाएं पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां लगाने से जो रिजल्टेंट आएगा वो 18 है। अब एक बात बताओ, अगर दो फोर्सेस है पी एंड क्यू और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, और ये रिजल्टेंट कितना गिवन है आपको? 12। अच्छा, 12 गिवन है, सॉरी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपको दो चीज़ें गिवन है, पी प्लस क्यू का सम गिवन है और आपको रिजल्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। आपको एंगल नहीं गिवन दो वेक्टर के बीच में, लेकिन आपको तीसरी एक और चीज़ गिवन है। क्या? इफ रिजल्टेंट मेक्स, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 degree विद अ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो दो फोर्सेस पी एंड क्यू में से कोई छोटी फोर्स होती होगी, उसके साथ रिजल्टेंट ने एंगल क्या बनाया? 90। तो ये 90 degree क्या गिवन है? थीटा कि बीटा? रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है? थीटा नहीं, बीटा, बीटा, ठीक। तो थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है? बीटा। तो ही तो एंगल है, एक का नाम है थीटा, एक का नाम है बीटा, ठीक हो गया, थीटा बीटा। तो इसमें आपको थीटा नहीं गिवन, बीटा गिवन है। तो फिर बीटा कितना गिवन है? 90। अब जब मैं अपने मन में विजुलाइज करूंगा डायग्राम कि मैं पैलोग्राम बनाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं क्या फिगर बनेगा, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, कि मैंने एक वैल्यू पी ली, एक वैल्यू क्यू ली, दोनों के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 बनाया। मुझे कैसे पता लगा एंगल ग्रेटर देन 90 है? नॉर्मली मैं तो ये लेता हूँ, एक पी है, एक क्यू है, और पैलोग्राम बीच में रिजल्टेंट आता है। मैंने तो आज तक ये नहीं बनाया एक पी एक क्यू इधर जा रहा है, मेरे को कैसे पता लगा कि अगर पी इधर है तो क्यू कहीं इधर होगा? क्यों? क्योंकि बीटा रिजल्टेंट 90 है। जब रिजल्टेंट किसका? ए, पी और क्यू का।
तो आप खुद बताओ जो रिजल्टेंट है वो तो पी और क्यू के कहीं बीच में ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता पी इधर है क्यू इधर है रिजल्टेंट उधर जा रहा है, पैलोग्राम के बीच में ही आएगा ना डायगनल, तो रिजल्टेंट तो डायगनल होता है, तो डायगनल तो बीच में ही आएगा पी और क्यू। जब डायगनल खुद एंगल 90 बना रहा है तो ऑब्वियसली एंगल पी और क्यू का ऑब्ट्यूज एंगल ही बनने वाला है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे विजुलाइज करना है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एंगल पी और क्यू में लेस देन 90 है, इस केस में इट शुड बी ग्रेटर देन 90, क्योंकि जो डायगनल रिजल्टेंट है वो खुद एंगल 90 बना रहा है, तो पक्की बात है पी और क्यू में एंगल ग्रेटर देन 90 है। ठीक है यहाँ तक? तो बीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 90, तो टैन बीटा का फॉर्मूला लगाओ। टैन बीटा का ये फॉर्मूला हमने जो फॉर्मूला याद किया हुआ है वो किया हुआ है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ ए और बी तो उड़ा दिए मैंने, मैंने क्या ले लिया पी और क्यू। तो मैंने आपको याद करने का क्या तरीका बताया था कि अगर ये रिजल्टेंट है और अगर ये बीटा है, रिजल्टेंट ने बीटा एंगल किसके साथ बनाया पी के साथ, तो अपने मन में सोचो ये ए है, और किसके साथ नहीं बनाया क्यू के साथ, अपने मन में सोचो ये बी है। तो आप पी और क्यू को रिप्लेस करेंगे, ए और बी को रिप्लेस करेंगे बाय पी एंड क्यू। तो इमेजिन कर पा रहे हो, हमने अपने थ्योरी में इसको ए लिया था इसको बी लिया था, पर यहाँ पर उसने क्या कर दिया पी और क्यू, क्या फर्क पड़ता है अपने मन में, इसको ए ले लो इसको बी ले लो। तो फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा, यहाँ पर बी की जगह क्या लिखना है क्यू, और ए की जगह क्या लिखना है पी, और बी की जगह क्यू, बाकी सेम। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? टैन बीटा बीटा का फॉर्मूला लगा के बीटा कितना गिवन है 90, टैन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, और ऐसा कब होता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो। तो मुझे पता लग गया डिनोमिनेटर क्या आएगा इसमें जीरो। तो जब डिनोमिनेटर जीरो है तो यहां से क्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस पी। मेरे को यहां पर ना क्यू गिवन है ना पी गिवन है ना थीटा गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं क्यू कॉस थीटा को रिप्लेस कर दूंगा बाय माइनस पी। तो एक काम करो, इस क्यू कॉस थीटा की जगह माइनस पी पुट कर दो, तो क्या आएगा 144 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p, और क्यू कॉस थीटा की जगह माइनस पी। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या आ गया माइनस पी, तो माइनस 2p स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू को यहां से डाल दो 18 माइनस पी। तो यहाँ पे Q की जगह 18 माइनस पी, आप चेक करो Q भी इलिमिनेट हो गया थीटा भी गया, और सारा कुछ किस टर्म में आ गया P की टर्म में आ गया। तो P की टर्म में इसे ओपन करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करके क्या आएगा P आ जाएगा, P आ गया, फिर Q तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे आएगा ये क्वेश्चन, और मुझे क्या पता ये तीन ही क्वेश्चन ऐसे हैंडल करनी है। प्रैक्टिस एक बार आपने कर लिया, दूसरी बार फिर करवा रहा हूँ, तीसरी बार टेस्ट के लिए तैयार करोगे, चौथी बार पेपर के लिए तैयार करोगे, पांचवी बार प्रैक्टिस करोगे बुक में से, पांच छह बार करने के बाद लोगों को बताओगे मुझे पता है कैसे करना है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको रिजल्टेंट गिवन है 12, रिजल्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन, टैन बीटा में बीटा गिवन है तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, क्यू कॉस थीटा की जगह क्या पुट किया माइनस पी, तो ये टर्म आ गई, पी प्लस क्यू का सम 18 है तो क्यू 18 माइनस पी पुट कर दिया, सॉल्व करके पी आ गया, पी आ गया तो क्यू आ गया। तो मेथड क्लियर है कि कैसे पैलोग्राम के इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ऑप्शनल है, किसी को इच्छा है करने की जरूर करे, नहीं है तो कोई बात नहीं, काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है ये, ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क लिख लें, कोई डाउट है तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ऑप्शनल है।